पिछले 8 से 10 सालों में विश्व भर में जिस तरह मंदिरों का पुनरुत्थान हो रहा है और जिस तरह पूरी दुनिया सनातन के मूल्यों को स्वीकार कर रही है, ऐसा लगता है कि युद्ध और नफरत भरे माहौल में सनातन फिर से विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। सनातन मतलब सभी को समाहित करने वाला। सदियों से ये मंदिर ही सनातन की प्रेरणा के केंद्र रहे हैं। चार धाम परियोजना, काशी विश्वनाथ, महाकाल और भव्य राम मंदिर के बाद अब अबू धाबी में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। सर्वप्रथम इस मंदिर की कल्पना स्वामीनारायण संस्था के गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने की थी। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान यूएई सरकार ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के लिए भूमि प्रदान करने की घोषणा की। इसके बाद 11 फरवरी 2018 को मंदिर के लिए शिला पूजन हुआ और अब लगभग 6 साल बाद 14 फरवरी को वसंत पंचमी पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बैप्स हिंदू मंदिर का निर्माण अबू धाबी के कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। मंदिर के निर्माण में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अभिनेता संजय दत्त और अक्षय कुमार सहित 50,000 से अधिक जानी मानी हस्तियों ने ईंटें रखी हैं। मंदिर में इस्तेमाल हुए गुलाबी पत्थर उत्तरी राजस्थान से मंगवाए गए हैं, क्योंकि ये पत्थर 50 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी आसानी से सहन कर सकते हैं। मंदिर की नींव में कहीं भी स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि मंदिर प्राचीन हिंदू शिल्प शास्त्र के अनुसार बनवाया गया है। इसमें मजबूती के लिए स्टील की जगह कंक्रीट के साथ फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। मंदिर में 2 गुंबद, 7 शिखर और 402 स्तंभ हैं। इसमें लाल पत्थर के ऊपर संगमरमर की नक्काशी की गई है। प्रत्येक शिखर के भीतर रामायण, महाभारत, शिव पुराण, भागवत की कहानियों की नक्काशी है, जो जगन्नाथ जी, स्वामीनारायण, पद्मावती, वेंकटेश्वर और अय्यप्पा के जीवन को चित्रित करती है। इसके गुम्बद 5 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष को प्रदर्शित करते हैं। अरब, मिस्र, मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं से चयनित मूल्य कहानियों के अलावा ऊंट, ओरिक्स और बाज जैसे यूएई के मूल जानवरों की नक्काशी भी की गई है। मंदिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले 7 अमीरातों की रेत से बनाई गई प्रभावशाली टीले की संरचना देखने को मिलती है, जो सबसे पहले ध्यान आकर्षित करती है। इसमें एक बेहद आकर्षक वाटरफॉल का निर्माण भी किया गया है, जो कि पवित्र भारतीय नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सरस्वती नदी की कल्पना एक लाइट से की गई है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं, जो 96 साल की तपस्या को दर्शाती हैं। मंदिर में स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम, राधा कृष्ण, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, पद्मवती, वेंकटेश्वर, जगन्नाथ और अय्यप्पा की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यह मंदिर सनातन की मूल भावना सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया की नीति के लिए एक मिसाल होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।